आप अपना काम कीजिए गारंटी से और सिटिंग और फिटिंग से दूर रहिए। इस सबसे जब दूर रहेंगे तो आप देखेंगे कि इसका क्या चार्ज है और उसका क्या है। मैंने इसका अनुमोदन किया और इसी पर हमने अपनी वकालत की और लोग कहते हैं कि हाँ किसी तरीके से ये पोजिशन पे है। यहाँ आने के पहले आपको एक बात बताते हैं, हर आदमी के लाइफ में एक चांस आता है उसको डेवलप करने का और उसको कौन अवेल कर पाता है ये इंडिविजुअल आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। हम जब स्टूडेंट थे तो हम एक चार दोस्त अपने साथ थे, चारों दोस्तों ने एक प्रोग्राम बनाया कि हम डॉक्टर बनेंगे। चारों दोस्तों ने अपेयर हुए, उस वक्त सीपीएमटी नहीं थी बल्कि हर जगह लखनऊ का अलग होता था, आगरे का अलग होता था, कानपुर का अलग होता था, सबका हुआ। यहाँ पर हम अपेयर हुए तो यहाँ हमें 35 नंबर मिले आउट ऑफ 100 और 37 पर लास्ट आदमी का पीएमटी के अंदर हो गया। हमारे जो तीन साथी थे उनमें एक कानपुर चला गया उसका हो गया, एक आगरा चला गया उसका हो गया, एक मथुरा में एनिमल हस्बेंड्री का है उसमें चला गया और हम फिर लौट के आप लोगों के बीच में आने के लिए मजबूर हो गए। जब इसमें आ ही रहे थे उसी वक्त यहाँ पर आर्मी में उस वक्त चल रहा था तो हम सार सर्विस कमीशन के लिए अपेयर हुए तो यहाँ से पास हो गए, फिर से एस एस बी के लिए हम जबलपुर गए। जबलपुर में एस एस बी कर रहे थे तब तक एक हमारे जस्ट साहब बड़े हमजर जैसे आपको बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि इससे कोई फायदा नहीं है, तुम एलएलबी करो और एलएलबी करो और तब शायद 62 पे 65 हो रहा था, 3 साल का एक्सटेंशन हो रहा था। उन्होंने कहा था कि आपकी सब तरह से जिस तरह से हो पाएगी मदद करेंगे। अफसोस यह है कि हम तो एलएलबी करके आ गए मगर वो हमसे पहले रिटायर हो गए, इसलिए उसके बाद मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मैं आपके सामने मौजूद और अपनी वकालत के बारे में किसी तरीके से चलते हैं, सेल्फ मेड है, जैसे तैसे चलते हैं, वैसे ही चलने की कोशिश आप लोग कीजिए और अपनी बारी बारी को विराम देते हैं और आप लोगों का धन्यवाद।